करती इस तरह की बातें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको थोड़ी देर दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों, जो भी बातें कही जाए मैं मुख्तसर में बयान करूंगा, चूंकि यहाँ वेद का मौजू नहीं है, आप सभी जानते हैं। और हमारे बाद खुसूसी मेहमान जनाब हजरत मौलाना कारी जमील अहमद साहब, जो बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हजरत का भी पुरमक्स बयान सुनेंगे। मैं बगैर किसी तारीफ के मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रोग्राम को सजाया, आप इस तरह मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। किसी शायर ने कहा, न कर तकदीर का शिकवा, क्या बात है, मुकादर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा, मुकादर आजमाता जा, मिलेगी मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे भाइयों, आपने दिन प्रोग्राम को सजाया, इंशाअल्लाह इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं दूसरे साल, अच्छी नियत होगी, अल्लाह का फैसला होता है, जैसे हमारे आमाल होंगे उसी अनुसार अल्लाह का फैसला होगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, ला तफातु वला तदावरु वला तबागसु वला तहासदु वकूनु इबादल्लाह इखवाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तफातु कि आपस में कता ताल्लुक ना करो। हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई हमारा भाई दुश्मन है, हम उन्हें समझ रहे कि ये हमारे दुश्मन है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ऐसे ही लोग आपके दोस्त हैं। जो दुश्मन होते हैं वो खालिस आपके दोस्त होते हैं, मगर शर्त है कि आप इन नमल मुमिनून इख्वा के अनुसार आप अपनी जिंदगी बसर करें। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफातु आपस में कता ताल्लुक ना करो, वला तदाबरू और एक दूसरे के दर पे ना हो, वला तबाग़ज़ू और एक दूसरे से बुग्ज ना रखो, वला तहासदू और एक दूसरे से हसद ना रखो, वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए पैदा किया? परवरदिगार आलम का फरमान है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। अल्लाह का फरमान है, आई हैव ओनली क्रिएटेड जिन्स एंड मैन दैट दे मे वर्शिप मी अलोन। अल्लाह का फरमान है कि हमने इंस और जिन को सिर्फ और सिर्फ
महत्व इसलिए पैदा किया, इसलिए उत्पन्न किया कि वो मेरी ही भक्ति करे, मेरी ही परस्तिश करे, मेरी ही इबादत करे। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के वास्ते जब तक जिंदगी है, मरते दम तक इंशाअल्लाह अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करेंगे और मरते दम तक इंशाअल्लाह नमाज कायम करेंगे भाई। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में, सारी जिंदगी में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। ये हमारा टारगेट, हम नमाज के पाबंद बने। चार खलीफे गुजरे, सत्ताधारी प्रतिनिधि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गुजर गए, अल्लाह के नबी ने अपने ससुर खुसरू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने तीन नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरन रजी अल्लाह तआला ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। चार प्रसिद्ध इमाम गुजरे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 129,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से किसी ने कभी भी किसी हाल में भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया। मेरे भाइयों, इसलिए हम मुसलमान हैं, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा कौन दुश्मन है, हमारा कौन भाई है। हमारा हक है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि। पक्का सच्चा मुस्लिम वो है जिसकी जुबान और हाथ से एक दूसरे भाई महफूज है। अरे भाइयों, चूंकि हम सब जितने मेहमान हैं चले जाएंगे, आप लोग रहेंगे, जो हमने उन लोगों को गैर को मौका दिया और ये अच्छा खासा फायदा उठा रहा मेरे भाई। क्यों? ये आपस में इत्तेहाद ना होने का। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है या अय्युहल लजीना, अल्लाह का फरमान है वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया एंड होल्ड फास्ट टुगेदर बाय द रब विच अल्लाह। अल्लाह का फरमान है कि तुम आपस में तुम सब के सब मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, शक्ति के साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, कैच कर लो। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया वला तफर्रकू एंड बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ्स, और आपस में तफरकाबाजी न करो। अल्लाह का फरमान, अल्लाह खुद फरमा रहा वला तफर्रकू वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम, तुम सब के सब एंड रिमेंबर विद ग्रेटी टाइड अल्लाह फेवर ऑन यू, तुम सब के सब अल्लाह परमात्मा की उस नेमत को याद करो। इस गुम तुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के शत्रु थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम बिनेमती इख्वाना, फिर तुम सब के सब
आपस में भाई भाई हो गए। जो मेरे भाई जिसने भी इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को समझा, हम अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक के हक में अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उमर फारूक के हक में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल। आपको मालूम होनी चाहिए अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूर का बेटा सहाबी है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ आया और कहा कि हुजूर मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दीजिए। था तुम मुनाफिक था तुम पलीद, कहा मेरा बाप है मेरा पिता है, अल्लाह निजात कर देगा, आप जनाजा पढ़ाए अल्लाह पाक इसकी बख्शिश कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़े करीमा ने के मालिक थे, उठ खड़े हुए साथ चल दिए। फारूक आजम आगे बढ़े, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम जिसने इस्लाम के गले काटी हो, इस्लाम के घरों की कोठली की हो, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया हो, हर वक्त नुकसान पहुंचाया हो, मैं इस मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। देखिए उमर फारूक जब इस्लाम को उधर आवाज आई, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा, काली कमली वाले इस मुनाफिक की जनाजे पे आपको दो आपको मिट्टी डालने खड़े होने की इजाजत नहीं। वरात कुमाला कबरी इसकी कबर पे आपको दो मुट्ठी मिट्टी डालने की इजाजत नहीं। अल्लाह हुस्समत मुनाफिक का बेटा कहने लगा, हुजूर हुजूर आप अपना कुर्ता मुबारक दे दे, मैं कफन के तौर पर अपने बाप को पहना दूं ताकि इसकी बख्शिश हो जाए, निजात मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखलाके करीमाने के मालिक थे, आपने अपना कुर्ता मुबारक दे दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपना कुर्ता भी दे दे और आप इसके लिए बख्शिश की दुआ भी करे। इस्तग़फिर लहुम औला تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم। मेरे महबूब यदि आप 70 मर्तबा भी इसके लिए बख्शिश की दुआ भी करें, मैं खुदा ऐलान करता हूं कि मैं माफ नहीं करूं। मेरे भाइयों इसलिए हमने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर सबसे उत्तम व्यक्ति वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह एक एक करके मुहैया कर लीजिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों इसलिए पूरी रात तकरीर आप सुन ले, यदि आपने अमल नहीं किया तो तकरीर सुनने का कोई फायदा नहीं, थोड़ी सी बातें हो अगर आपने उस पर अमल कर लिया मेरे भाइयों तो ये 10,000-25,000 मजमा से बेहतर है कि अगर चंद लोग अगर इस पर अमल करने वाले बन जाए तो ये जनाब कामिल साहब ने इस प्रोग्राम को सजाया, यहाँ की कमेटी वाले सजाया। मेरे भाइयों
गम करने की, फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान ना जिंदगी है तो समझते चलिए, समझते चलिए। आपको जहां जा ये समझिए कि ये आपकी नाकामी की दलील नहीं बल्कि कामयाबी की दलील है कि आप इस वक्त भी, आपने अल्लाह ने आपसे काम लेना तो मकसूद था तो इस मस्जिद के अंदर अल्लाह ने अपने घर में बुलाया और बुला करके हम सब दीन की बातें सुन रहे हैं और सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम पर हक है कि हम इन बातों को सुन करके अपने दिलों में बैठा इंशाअल्लाह बताएंगे ना भाई। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। बहुत पहले वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बच्चे का नाम मुजाहिदुल इस्लाम और बहुत वायरल हुआ तो कम से कम हमको हिंदुस्तान भर बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ लोगों ने वीडियो देखा और उन्होंने बखेर पढ़ा था मेरा नाम मुजाहिद है पर मैं भैंस चराता और वो भैंस चरा भी रहा था। मेरी तमन्ना थी कि यार हालांकि मेरे पास में फूल इन्होंने कहा तो कहा कि मुजाहिद भाई मेरी भैंसी आपका इंतज़ार कर रही। मैं चाह रहा था जो भैंस मैं चरा रहा था उसको आपको दिखाऊँ वगैरह वगैरह, लेकिन वक्त की दिल्ली दामन भी जो कि लॉकडाउन के जो पश्चात मंडला रहे हैं घर सही सालिक पहुँच जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो कोई बच्चा यहाँ पे आया है, आवाज़ बड़ी प्यारी है, मेहनत को जारी रखें तो मुमकिन है कि अपने इलाके की नुमाइंदगी दूर कर सकता है और ऐसे ही बच्चे नाम रोशन करते हैं हम लोगों को। आज बहुत ज़माने के बाद एक बात बता दूँ दानिश रेहान साहब कि कभी अंजुमन में मदरसे के जो पढ़ा करता था बगैर माइक के और बच्चों के असातिज़ा के दरमियान जो निज़ामत करता था पढ़ता था अरे तकरीर करने वाले जो तकरीर करते थे आज भी यानी वही वही मंजर जो है मनाजिर हमारे निगाहों के सामने वो दिखता है कि आज वो ज़माने दराज के बाद ये महफिल तो बड़ी बड़ी माइक के साथ साउंड के साथ स्क्रीन पर देखने को बहुत देखा लेकिन इस तरह की महफिल बहुत कम जगह पर होती। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो आइए आपके हवाले मैं मुजाहिदुल इस्लाम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो बेहतरीन कलाम हो किसी एक कलाम का इंतखाब करें क्योंकि मेरी भी तिशनगी बाकी है गुजारना चाहता हूँ और तमाम लोग भी सुनना चाहते हैं जो कि हज़रत मौलाना कारी जमील साहब कासमी बिंगलौरी को सुनना है जो उनका पुरोमग बयान होगा कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं बड़े अदब के साथ मुजाहिदुल इस्लाम से गुजारिश कर रहा हूँ राजा से जो निकला और अपने कलाम से आइए हजरत आप नाजायज पैदा नाम खाते हुए सीधे सीधे हाजिर करता हूँ सुनिएगा एक मतलब पढ़ता हूँ मुजाहिद साहब आप जो ही हूँ बहुत अच्छी सामत मुजाहिद जी हबीबी का बहुत अच्छी निजामत है मुजाहिद जी हबीबी का बहुत अच्छी बहुत अच्छी निजामत है मुजाहिद जी हबीबी का सभी दिल पर हुकूमत है सभी दिल पर हुकूमत के मुजाहिद जी हबीबी का मैं तो बड़ा शायद हूँ टूटी फूटी लफ्ज से कुछ बना के आया तो आप जो भी सुन लीजिएगा कि प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ तेरी सफारी से तो डर लगता है प्यारी माँ तेरी खफाई से तो डर लगता है
आपके दम से ही जन्नत मेरा घर लगता है। क्या बात है, आपके दम से ही जन्नत मेरा घर लगता के छोटी सी उम्र में शोहरत जो मिली है तुमको, छोटी सी उम्र में शोहरत जो मिली है हमको, ये तो हक है के दुआओं का असर लगा। अच्छा है मुजाहिद, अच्छा है। उनको लगा कि सब खत्म हो गएंगे, लेकिन ये ऐसा इंडिया में मदनी नेटवर्क काम करता है, मोदी नेटवर्क काम नहीं करता है, मदनी नेटवर्क। हिमायत कैसे करते हैं, बगावत कैसे करते हैं, हिमायत कैसे करते हैं, बगावत कैसे करते हैं, जरा सिद्दीक से पूछो इताअत कैसे करते हैं, जरा सिद्दीक से पूछो इताअत कैसे करते हैं, ये कुर्सी पाके आपस में जो दंगे कराते हैं, ये कुर्सी पाके आपस में जो दंगे कराते हैं, उमर फारूक से सीखो हुकूमत कैसे करते कुछ दिन पहले आप वीडियो देखे होंगे, एक गुस्ताखे नबी जिसने 26 आयत हटाने की बात कर रहे, मैं मुनासिब नहीं समझता उस शख्स का नाम लू, हाजिर करता हूँ सुनिएगा। कुत्ते से हालत बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए, कुत्ते से हालत बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए, उंगली उठाए बदतर तेरी है, सबको बताना चाहिए। और एक शेर है, ये मुल्क जमहूरी है लेकिन मजहब के खिलाफ कोई बोलता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ सुनिएगा। कि उंगली उठाए कुरान पे गर्दन उड़ाना चाहिए, कि मुल्क जमहूरी है फिर क्यों, अरे ललकार से, के मुल्क जमहूरी के फिर क्यों हम डरे ललकार से, इस तरह की बातें बहुत बढ़िया, बहुत माशा अल्लाह, बहुत।